वेलकम टू सिविल जोन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैसेंजर कार यूनिट। तो जो ये पैसेंजर कार यूनिट है ये एक्चुअली में होता क्या है? तो पैसेंजर कार यूनिट है वो अपने ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम की स्टडी करने के लिए यूज लेते हैं। तो मेनली इसका यूज क्या होता है, पैसेंजर कार यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट। तो अगर इसके बारे में लिखना चाहिए तो पैसेंजर कार यूनिट के बारे में क्या लिख सकते हैं, इट इज एंड स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट। तो एक तरह की ये यूनिट है जिसके थ्रू हम ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम को एस्टिमेट या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको ये PCU की जरूरत क्या पड़ी है, पैसेंजर कार यूनिट एक्चुअली में होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो हमको डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। तो हम बात करते हैं, जब ट्रैफिक डेंसिटी की स्टडी करते हैं और ट्रैफिक वॉल्यूम की स्टडी करते हैं तो इन दोनों की स्टडी करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं अपने व्हीकल्स को, जिनको स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट बोलते हैं, या जिसको पैसेंजर कार यूनिट बोलते हैं PCU। मतलब इन यूनिट को हम एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं जिसको पैसेंजर कार यूनिट बोलते हैं। तो हम पहले सर डिस्कस करेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है और ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है। जब इनकी डेफिनेशन समझेंगे फिर इसके बाद में हमको पता चलेगा कि हमको PCU की जरूरत क्यों पड़ी, जो पैसेंजर कार यूनिट है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो बाद में हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम होता है कितने व्हीकल है वो अपने पर आवर में किसी इंटरसेक्शन से पास हुए, वो अपना ट्रैफिक वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अपना यहाँ पे इस प्रकार से कोई इंटरसेक्शन है, तो यहाँ से कितने व्हीकल्स है वो इस इंटरसेक्शन से पास हुए पर आवर के अंदर, मतलब 1 आवर के अंदर कितने व्हीकल्स यहाँ से पास हुए, उसको हम कहते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम, व्हीकल पर आवर, उसको हम इसकी यूनिट भी ये होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। अब बात करते हैं ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है, मतलब उस ट्रैफिक डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम व्हीकल पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर लेंथ के अंदर कितने व्हीकल है, ये अपनी 1 किलोमीटर लेंथ के अंदर कितने व्हीकल है वो यहाँ पे आ सकते हैं इस प्रकार से, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक डेंसिटी। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर इतने व्हीकल है उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक डेंसिटी। तो ये लेंथ, इतनी लेंथ के अंदर इतने व्हीकल आएंगे उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक डेंसिटी। तो यहाँ पे इसको ट्रैफिक डेंसिटी को डिफाइन कर दिया। तो एक्चुअली इन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पैसेंजर कार यूनिट यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे पैसेंजर कार यूनिट की हमको जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम बात करते हैं क्योंकि अपने इंडिया में जो अपना ट्रैफिक सिस्टम है वो कैसा है, मिक्स है, क्योंकि एक ही सड़क पर तो अपनी ऑटो मूव होता है, एक पे ही बाइक मूव होती है, एक पे ही कार मूव होती है, एक पे ही ट्रक बस सभी एक ही सड़क पर मूव होते हैं। तो जब मिक्स ट्रैफिक कंडीशन होती है तो यहाँ पे बात करते हैं तो ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम को हम अच्छे तरीके से या एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाते, क्योंकि बात करते हैं जब ट्रैफिक डेंसिटी डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक डेंसिटी अपनी ये है, ये अपना इतना हमने 1 किलोमीटर ले लिया, तो यहाँ पे बात करते हैं अगर बस ही जाती है, रेगुलर बस ही जाती है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा बसेज की नंबर ऐसे बसेज की साइज है वो थोड़ी बड़ी रहेगी एज कम्पेयर टू कार और जो अपनी बाइक रहेगी उससे, तो यहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन जब बाइक ज़्यादा आती है, बाइक आती है, तो यहाँ पे बाइक की साइज कम रहेगी तो ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ जाएगी, बात यही रहेगी अपनी, ट्रैफिक डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी कम हो गई 1 किलोमीटर के अंदर क्योंकि यहाँ पे साइज कम है, तो इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पे साइज ज़्यादा है तो यहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अपने इंडिया के अंदर क्या है, मिक्स कंडीशन है, बात करें जैसे यहाँ पे बाइक आ गई, यहाँ पे कार आ गई, यहाँ पे बस आ गई, यहाँ पे ट्रक आ गया, तो उनका एक्यूरेटली पता नहीं कर पाएंगे कि अपनी ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है, कई बार तो कम हो जाएगी ट्रैफिक डेंसिटी, कई बार ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको एक्यूरेट कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या होता है, इन सभी यूनिट को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैसेंजर कार यूनिट। मतलब इनकी स्टडी करने के लिए, ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम की स्टडी करने के लिए एक्यूरेटली हम क्या करते हैं, सभी यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं जिसको स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट बोलते हैं या पैसेंजर कार यूनिट बोलते हैं। तो ये अपनी पैसेंजर कार यूनिट, इसलिए हमको ये एक नई यूनिट और बनानी पड़ी। तो ये भी एक तरह की यूनिट ही है, पैसेंजर कार यूनिट। तो जैसे यहाँ पे इनकी यूनिट ये थी व्हीकल पर आवर या व्हीकल पर किलोमीटर,
कहाँ पे है, यहाँ पे व्हीकल पर किलोमीटर, या ट्रैफिक डेंसिटी के। तो इसी प्रकार एक कंबाइंड यूनिट बनानी पड़ी जो मिक्स्ड फ्लो ट्रैफिक कंडीशन के लिए यूज आती है, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर जो ट्रैफिक कंडीशन है वो कैसी है, मिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी चलती है, एक ही रोड पे सब कुछ चलता है, बैलगाड़ी बैलगाड़ी सभी चलती है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए यानी एक नई यूनिट बनाई जिसको पैसेंजर कार यूनिट कहते हैं। तो अब यहाँ पे इसके बारे में हमने कंप्लीट रूप से समझ लिया, अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख लेते हैं जो कि अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। और इनके कुछ डाटा है, जैसे अपनी कार के लिए PCU कितना होगा, पैसेंजर यूनिट कार कितनी होगी, और अपने बाइक के लिए पैसेंजर कार यूनिट कितनी होगी, तो वो कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं पैसेंजर कार यूनिट के बारे में, PCU। तो इसके बारे में लिखते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ट्रैफिक डेंसिटी अंडर मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो। Therefore, different class of vehicles are converted into a standard unit called as पैसेंजर कार यूनिट। ये आपके अब समझ में आ गया होगा आसानी से पैसेंजर कार यूनिट होती क्या है। तो अगर बात करें सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पैसेंजर कार यूनिट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट, क्योंकि अपने इंडिया में मिक्स फ्लो होता है, इसलिए हमको ये पैसेंजर कार यूनिट है वो डेवलपमेंट करना पड़ा। अब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इसके द्वारा हम ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट और है इसको लिख सकते हैं कि अपनी उस फिर उसके बाद में उसकी यूनिट क्या होगी। तो विद द हेल्प ऑफ PCU पैसेंजर कार यूनिट ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड इन, अब इसकी जो नई यूनिट बनेगी PCU पर किलोमीटर, जो ट्रैफिक डेंसिटी होगी उसको PCU पर किलोमीटर में मेजर करेंगे, एंड जो ट्रैफिक वॉल्यूम होगी उसको PCU पर आवर में मेजरमेंट करेंगे, मेजर्ड रेस्पेक्टिवली। तो ये तो हो गया अपना PCU के बारे में। अब डिफरेंट क्लास जैसे व्हीकल होती है उनके लिए जो PCU होती है वो किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर बात करते हैं यहाँ पे व्हीकल्स क्लास, डिफरेंट क्लास के अपनी व्हीकल्स हैं, यहाँ पे आपको इस पेज में नहीं दिख रहा होगा, मैं नया पेज यूज लेता हूँ। यहाँ पे अपनी व्हीकल्स हैं और कुछ PCU है, स्टैंडर्ड व्हीकल्स है, उनकी पैसेंजर कार यूनिट है। बात करते हैं हम अपना टेम्पो या ऑटो रिक्शा की, तो इसके लिए PCU कितनी होगी, इसके लिए PCU 1 यूनिट होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं बस ट्रक की, तो इसके लिए PCU की वैल्यू होगी वो 3 होगी। बात करते हैं अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर एंड साइकिल की, इसके लिए PCU की वैल्यू होगी 0.5। इसके बाद में बात करते हैं साइकिल रिक्शा होता है एक, जो साइकिल से कनेक्टेड रहता है, आगे साइकिल लगी हुई रहती है, तो उसके लिए बात करते हैं PCU 1.5 होगी। ऐसे अलग अलग अपने जो
क्लास है, क्लास ऑफ व्हीकल्स है, उनके लिए अलग अलग अपने PCU है। हॉर्स ड्रोवन व्हीकल्स है जिनको हॉर्स चलाता है, उसकी PCU होगी 4.0। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बल्लॉक्स एंड हेड कार्ट। जो हम ऐसे हाथ से लेकर चलाते थे ना बचपन में वो वाली, तो उसके लिए है PCU 6.0। नेक्स्ट है अपना लार्ज बल्लो कार्ट जो थोड़े ज़्यादा साइज के होते हैं, उसके लिए PCU होती है 8। तो इस प्रकार से हम PCU को डिफाइन कर सकते हैं और डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल्स के लिए हमने PCU लिख ली। ये मतलब कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लेता है और आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये डेफिनेशन प्लस ये अपना लिखे आना। आपको यहाँ से आपको 3-4 की या 4-5 की याद कर लेनी है, कंप्लीट की याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद कर लेनी है, पूरी की याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप PCU को इजीली डिफाइन कर दोगे। और जो आपने मैंने समझा दिया किस लिए यूज लेता है, जो अपने मिक्स ट्रैफिक फ्लो कंडीशन होता है उसमें अपन को ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए PCU एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो सभी को मिक्स रूप से कैलकुलेट कर देता है, इसलिए यहाँ पे हम पैसेंजर कार यूनिट का यूज लेते हैं। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।